In this lecture, we are going to study the proof for DNA as a genetic material. Clear? So this proof is given by the Hershey and Chase. Basically, Hershey and Chase ne ye proof diya tha in 1952. They conducted experiment on the bacteriophage. Hai na? Inhone ek experiment bacteriophage pe kiya tha. Bacteriophage ek virus hota hai. ठीक है? जो कि bacteria को infect करता है. ठीक है? तो ये experiment इन्होंने किस तरह से किया? ये बात देखते हैं. ये diagram देखिए, इससे आपको समझ में आएगा. Batch one और batch two. Hershey and Chase ने दो batches बनाए, मतलब कि दो mediums बनाए. ठीक है? एक medium के अंदर radioactive sulfur रखा, मतलब कि S35 वाला sulfur रखा, और दूसरे medium के अंदर radioactive phosphorus रखा, मतलब कि P32 वाला phosphorus रखा, और दोनों के अंदर bacteriophages को, मतलब कि viruses को growth करने के लिए छोड़ दिया. जब वो growth करेंगे, तो वो replicate करेंगे, है ना, मतलब कि अपनी copies बनाएंगे, और जब वो अपनी copies बनाएंगे तो क्या होगा कि एक bacteriophage से दो bacteriophage बनेंगे. जो bacteriophage के अंदर जो proteins बनेंगे उसके अंदर क्या आएगा? Radioactive sulfur. ठीक है, क्योंकि वहां पर, क्योंकि proteins के में क्या होते हैं, कुछ amino acids हैं, हम जानते हैं ये बात, जो कि proteins के structural unit होती है जिनके अंदर sulfur होता है, like methionine and cysteine. क्लियर? तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन होगा वो कैसा हो जाएगा? रेडियोएक्टिव, ड्यू टू द सिस्टीन एंड मिथायोनिन अमीनो एसिड. ठीक है, और क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाएगा? S35 वाला सल्फर आ जाएगा. क्लियर? और जो डीएनए है उसके अंदर हमें पता है कि फास्फोरस होता है, तो वहां पर इस वजह से डीएनए में क्या आ जाएगा? फास्फोरस आ जाएगा. फिर क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या किया कि दोनों अब बैक्टीरियोफेजेस को, ठीक है, बैक्टीरिया पर ग्रोथ करने के लिए छोड़ दिया, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया. तो जब ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो क्या करता है कि अपना जेनेटिक मटेरियल सिर्फ जो है ना वो ट्रांसफर करता है सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, और यहां पर ये इकोलाई बैक्टीरिया है. क्लियर? तो क्या होगा, जो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, जो प्रोटीन कोट है वो तो बाहर ही रह जाएगा, जो डीएनए है वो सेल के अंदर आ जाएगा. क्लियर? तो दोनों ही केसेस में ये काम किया. नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि जो अब ये मिक्सचर था, मतलब कि बैक्टीरियोफेज का और बैक्टीरियल सेल का, इसको सेंट्रीफ्यूज किया, है ना, पहले ब्लेंडिंग करी इसकी ब्लेंडर के अंदर, ठीक, जैसे आपके घर में मिक्सर होता है इसी तरह का, फिर उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया एट अबाउट 5000 RPM, है ना, मतलब कि जस्ट उसको इतनी तेजी से घुमाएंगे कि वो 5000 रोटेशन पर मिनट करेगा. ठीक है, तो इस सेंट्रीफ्यूजन से होगा क्या, इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस से होगा क्या कि जो लाइटर सब्सटेंस होंगे वो तो ऊपर आ जाएंगे, जैसे आपके मिक्सर ग्राइंडर में भी होता है. ठीक है, और जो डेंसर सब्सटेंसेस होंगे वो नीचे रह जाएंगे. तो होता क्या है कि जो प्रोटीन कोट है बैक्टीरियोफेज का वो लाइटर होता है, और जो बैक्टीरियल सेल है वो डेंसर होते हैं. तो बैक्टीरियल सेल तो नीचे आ जाते हैं टेस्ट ट्यूब में अगर हमको ले लें तो. ठीक है, और जो बैक्टीरियोफेज है वो ऊपर आ जाते हैं. क्लियर? दोनों ही केसेस में. अब अगर एक बात देखी जाए तो जो प्रोटीन था, जिसका प्रोटीन कोट है, वहां पर रेडियोएक्टिविटी शो हो रही थी, तो इस वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है यहां पर, ये लिक्विड वाला पार्ट, ठीक है, तो ये क्या करेगा? रेडियोएक्टिव शो करेगा. ठीक है, तो यहां पर प्रोटीन जो है वो रेडियोएक्टिव होगा. क्लियर? और यहां पर जिस सेकंड वाले जो बैच में, बैच सेकंड के अंदर जो ये यहां पर नीचे पैलेट है, ये रेडियोएक्टिविटी शो करेगा, मतलब क्योंकि वहां पर डीएनए जो है वो रेडियोएक्टिव हो गया था. क्लियर? तो यहां पर जो रिजल्ट्स आए वो क्या आया उसके, कि व्हेन प्रोटीन वर लेबल्ड बैच वन, रेडियोएक्टिव रिमेन्ड आउटसाइड द सेल. है ना, तो बेसिकली जब प्रोटीन को हमने बैच वन में रेडियोएक्टिव किया, मतलब लेबल्ड किया, तो क्या हुआ कि जो रेडियोएक्टिविटी थी वो सेल के बाहर रही, है ना, मतलब कि बैक्टीरियोफेज में रही. ठीक, बट जब व्हेन डीएनए वाज लेबल्ड, बट जब डीएनए को रेडियोएक्टिव बनाया, क्लियर, तो जो रेडियोएक्टिविटी थी वो कहां आ गई? सेल के अंदर. इसका मतलब रेडियोएक्टिविटी ट्रांसफर हुई फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज टू द सेल. दैट्स व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ये कंक्लूजन यहां से निकलता है. ठीक है, तो फेज डीएनए एंटर द बैक्टीरियल सेल, ये सा कंक्लूजन है. क्लियर? बट फेज प्रोटीन डिड नॉट, मगर फेज प्रोटीन जो है वो एंटर नहीं करा, प्रोटीन बाहर रह जाता है. ठीक है, सिर्फ क्या हुआ उसमें से? डीएनए एंटर किया. क्लियर? तो हर्शे एंड चेस कंक्लूडेड दैट डीएनए नॉट प्रोटीन फंक्शन एज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन नहीं करता है. तो इसका प्रोसीजर अगर यहां से पढ़े तो वही सेम प्रोसीजर है कि सम बैक्टीरियोफेज वायरसेस वर ग्रोन ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियोएक्टिव फास्फोरस. मतलब कुछ बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस को कहां हमने ग्रोथ करवाया? एक ऐसे मीडियम पे जो कि जिसके अंदर क्या है? रेडियोएक्टिव फास्फोरस, जिसकी वजह से उसका डीएनए क्या हो गया? रेडियोएक्टिव. ठीक है, और कुछ बैक्टीरियोफेजेस को हमने कहां ग्रोथ करवाया? रेडियोएक्टिव सल्फर वाले मीडियम पर.
तो जिसके अंदर रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था वो उसमें क्या हुआ, उन वायरसेस के अंदर रेडियोएक्टिव डीएनए हो गया, और जिनके अंदर जिस मीडियम के अंदर रेडियोएक्टिव सल्फर था तो उस मीडियम में जो वायरसेस थे उनका जो प्रोटीन है वो क्या हो गया, रेडियोएक्टिव। बोथ रेडियोएक्टिव वायरसेस टाइप्स वर अलाउड टू इन्फेक्ट ऑन द इकोलाई सेपरेटली। बाद में क्या किया कि उन दोनों रेडियोएक्टिव वायरसेस को इकोलाई पर सेपरेटली इन्फेक्शन के लिए छोड़ दिया। ठीक, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि जो जब इन्फेक्शन वो करेगा तो जो डीएनए है वो तो क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करेगा, और जो उसका प्रोटीन पार्ट है बैक्टीरियोफेज का वो बाहर रह जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको ब्लेंडर में डालेंगे और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो लाइटर चीज कहाँ जाएगी, ऊपर, और डेंसर चीज कहाँ जाएगी, नीचे। तो द कल्चर वॉज ऑल्सो सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट द वायरल पार्टिकल फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट, उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या आया कि ओनली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 वॉज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल। मतलब बैक्टीरियल सेल में सिर्फ क्या मिला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, वेर एज रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज ओनली फाउंड इन सराउंडिंग मीडियम, क्योंकि वो तो बाहर ही रह गया था एंड नॉट इन द बैक्टीरियल सेल। दिस इंडिकेट दैट ओनली डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन कोड एंटर द बैक्टीरियल सेल। सिर्फ डीएनए ही जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर रहा है, प्रोटीन कोड ने एंट्री नहीं करी थी। तो दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना। ट्रांसफर कौन हुआ, डीएनए। दैट्स व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज पास्ड फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया एंड नॉट प्रोटीन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट कि इन सम वायरसेस, है ना, कुछ वायरसेस की अगर बात करें तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए, लाइक टोबैको मोजाइक वायरस, लाइक एचआईवी वायरस, लाइक कोरोना वायरस। ठीक है, इन सब में जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। ठीक है, एंड बोथ, मतलब कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, बट आरएनए जो है वो मैसेंजर की तरह भी काम करता है और अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। मैसेंजर एज द एमआरएनए और अडेप्टर एज द टीआरएनए। इस बात को अभी हम आगे देखेंगे जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। कि ये डीएनए और आरएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो क्यों जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि दोनों के पास एबिलिटी है कि दैट दे कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ, है ना, वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपनी कॉपीज बना सकते हैं ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर, बट प्रोटीन्स के अंदर ये डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि वहां पर कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर, मतलब यहां डीएनए और आरएनए केस में तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, दैट्स व्हाई वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है, मगर प्रोटीन्स नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टेबल। ठीक है, तो जो बेसिकली स्टेबल क्यों होना चाहिए, स्टेबल होगा तभी वो क्या रहेगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहेगा विदाउट एनी चेंज। थर्ड पॉइंट, आरएनए, तो आरएनए जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है इस वजह से वो बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। क्लियर, तो इसी वजह से मैक्सिमम वायरसेस जैसे एचआईवी वायरस की अगर हम बात करें तो वो बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, इसी वजह से उसका कोई आज तक कोई उसका वैक्सीन नहीं है, उसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, उसका जो म्यूटेटिंग रेट है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और वो इवॉल्व बहुत तेजी से करता है, न्यू टाइप के स्ट्रेन्स नए नए बनाता रहता है। ठीक है, और उसकी लाइफ स्पैन जो है वो काफी छोटी होती है, वो छोटी लाइफ स्पैन इस वजह से है क्योंकि वो अपने आप को चेंज कर लेता है बार बार। नेक्स्ट, आरएनए कैन कोड डायरेक्टली फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो है वो डायरेक्टली, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, मतलब कि ट्रांसलेशन डायरेक्टली होता है, मगर डीएनए को हमेशा पहले आरएनए पर डिपेंड होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, है ना, कि डीएनए पहले क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, और फिर उस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स। तो डीएनए जो है वो नॉर्मली डिपेंड रहता है किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, मगर जो आरएनए है वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, और जितनी भी प्रोटीन मिशन मशीनरी है, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, वो सारी की सारी किसके आसपास चलती है, आरएनए के ऊपर आसपास, क्योंकि जो आरएनए है वही रेस्पॉन्सिबल है फाइनली किस चीज के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, है ना। आरएनए अभी हम पढ़ेंगे बाद में, हम तीन टाइप के आरएनए देखेंगे, टीआरएनए, आरआरएनए एंड एमआरएनए। इन तीनों आरएनए की हेल्प से ही क्या होता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट, अब इनको कंक्लूड करें तो बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करते हैं, बट डीएनए बीइंग केमिकली लेस रिएक्टिव, डीएनए जो है वो केमिकली लेस रिएक्टिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके टू प्राइम पोजिशन पर ओएच ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, मगर आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब वो लेस रिएक्टिव है, इसी वजह से वो क्या है, मोर स्टेबल। क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन द आरएनए। तो डीएनए से डीएनए जो है वो ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है देन द आरएनए। ठीक है, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए, एक्सेप्ट सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में जो है वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, नहीं तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए। तो डीएनए मोर स्टेबल है आरएनए से, क्यों, पहली बात,
बींग डबल स्टैंडर्ड, पहली बात तो वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड है इस वजह से स्टेबल है। दूसरी बात कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं दो उसके, ठीक है, और अगर उनको हीटअप कर दे भी दें तो वो दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, और फिर दोबारा से अगर ठंडा कर दें, कूल कर दें, दोबारा से पास में आ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्योंकि फॉर्म होते हैं बीच में, ठीक। डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप की पोजिशन की वजह से, ठीक, मगर आरएनए के पास सेकंड प्राइम पर ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। आरएनए जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है ना, तो इस वजह से जैसे राइबोसाइम जो एंजाइम्स होते हैं तो वो एज ए कैटलिस्ट भी काम करते हैं। नेक्स्ट है थायमिन। थायमिन जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, क्यों, क्योंकि थायमिन के ऊपर है ना एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिस मिथाइल ग्रुप के वजह से वो डीएनए की प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है ना, मतलब कि डीएनए के रिप्लिकेशन में मान लीजिए कोई एरर आ जाएगी तो उस एरर को रिमूव करने के लिए, डीएनए की अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसको रिमूव करने के लिए है ना, उसको रिपेयर करने के लिए डीएनए को वहां पर थायमिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो थायमिन की वजह से भी एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो किसको मिलती है, डीएनए को, और ये चीज यूरासिल के केस में प्रेजेंट नहीं होती है, मिथाइल ग्रुप यूरासिल के केस में प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से वहां पर कोई प्रूफ रीडिंग जैसी चीज नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, मतलब कि आरएनए। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि आरएनए जो था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि पहले कौन आया होगा, मतलब डीएनए और आरएनए में से पहले कौन आया होगा, आरएनए, ठीक है, इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि आरएनए के सेकंड प्राइम पोजिशन पर ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, तो ओएच ग्रुप हटा है, हटने के बाद क्या बन गया, डीएनए, तो इसका मतलब पहले कौन आया होगा, आरएनए। दूसरी बात कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, तो इस वजह से भी आरएनए से क्या बना है, डीएनए, ठीक। तो इशिनशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब जो है वो कहाँ चलती है, आरएनए के आसपास चलती है, इस बात से भी प्रूव होता है कि जो आरएनए है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोसेस जो है डीएनए का सारा सिर्फ काम एक कोड्स को रखना है अपने पास, मगर उस कोडिंग से मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है ना, वो सब काम किसका है, आरएनए का। तो मेनली आरएनए क्या रहा होगा, जेनेटिक मटेरियल इनिशियली, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज द कैटलिस्ट, है ना, मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल पर भी काम करता है और एज ए कैटलिस्ट भी, लाइक राइबोसाइम, है ना, क्योंकि मोस्टली जो कैटलिस्ट होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, प्रोटीनियस, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसाइम जिसके अंदर जो उसका नेचर है वो कैसा है, वो आरएनए का बना हुआ है, क्लियर। तो आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव, आरएनए जो है वो कैटलिस्ट की तरह जो होता है इस वजह से वो रिएक्टिव होता है, इस वजह से अनस्टेबल होता है, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए, जो डीएनए है वो ही, वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, आरएनए से, विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल, है ना, कुछ उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हुई जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। तो लीस रिएक्टिव था मतलब आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है, वहां से मोर स्टेबल डीएनए फॉर्म हुआ बाय सम केमिकल मॉडिफिकेशन। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर, है ना, बट डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, इस वजह से वो अपने आप को इवॉल्व नहीं होने देता, चेंज नहीं होने देता, ठीक है, और अपने आप को अगर मान लीजिए कुछ चेंज हो भी जाए तो उसके पास एक रिपेयर मैकेनिज्म प्रेजेंट है ड्यू टू द थायमिन, मैंने अभी आपको बताया था ये बात। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में आप डिफरेंसेस को देखा जाए तो वो क्या है, जैसे पहला डिफरेंस तो शुगर में होता है ना, कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो शुगर और यहां पर राइबो शुगर। अगर बेसिस की बात करें तो प्यूरीन पायरिमिडिन दोनों में प्रेजेंट है, बस यहां पर क्या अंतर है कि डीएनए के केस में थायमिन प्रेजेंट है और आरएनए के केस में यूरेसिल प्रेजेंट है, बाकी तीन जो बेसिस है वो कॉमन है। इसके अलावा ये हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए, मगर आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, मगर मोस्टली आपको सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा, कुछ ही रेयर केसेस हैं जहां पर वो डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। इसके बाद इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबका जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, ठीक है, और कुछ वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, आरएनए, क्लियर। बेसिकली जो डीएनए है वो लेस रिएक्टिव है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है, बट जो आरएनए है वो केमिकली मोर रिएक्टिव है एंड स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल है ना, ये बात अभी हमने देखी थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ेंगे।